नमस्ते। हम सबके मन में एक इमेज होती है, जब भी हम किसी को कोई काम देना चाहते हैं या किसी को हम टास्क देना चाहते हैं तो हमारे मन में एक इमेज होती है उस इंसान के बारे में रिगार्डिंग हिज कैपेबिलिटी, उसकी नॉलेज, उसकी विलिंगनेस उस काम को करने की। और ये हमें उसके प्रायर एक्सपीरियंस से होता है या मे बी हमें हमने उसके बारे में सुना होता है। सो बेस्ड ऑन दिस वी डिसाइड वेदर हम उसको जॉब दें, वेदर वी शुड गिव हिम अ टास्क और वी शुड नॉट गिव हिम अ टास्क। और कभी हम टास्क दे भी देते हैं तो ये इमेज हमें सोचने पे लगाती है कि वेदर वी शुड फॉलो थ्रू विद हिम, क्या हम उसके सर पे खड़े होकर पुलिसिंग करते रहें या फिर हम रिलैक्स होकर बैठ जाएं और वो काम करके दे देगा। सो दिस इमेज इज व्हाट मेक्स अस बिहेव इन अ सर्टेन वे, और अक्सर हम उस इमेज के हिसाब से ही बिहेव करते हैं। मुझे लगता है कि सिमिलरली हम जब एक काम लेना चाहते हैं या हम कोई काम पकड़ते हैं या हम नहीं पकड़ते हैं, उसके पीछे भी हमारी एक इमेज होती है, which I call as an inner mirror or a self-image। और अगर हमने पकड़ भी लिया कोई काम तो वो इमेज के हिसाब से शायद हम श्योर होते हैं या अनश्योर होते हैं उस काम को लेकर। सो दिस सेल्फ इमेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वी क्रिएटिंग अ ग्रेट फ्यूचर फॉर ourselves। तो ये जो हमारा बिहेवियर है ये अक्सर हमारी सेल्फ इमेज के हिसाब से होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि क्या हमारा सेल्फ इमेज हमें सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा है हमारे लिए या फिर हमें वीकन कर रहा है। तो जो हमारा फ्यूचर है जिसको हमें शेप करना है उसके लिए सबसे श्योरेस्ट, सबसे फास्टेस्ट, सबसे डिपेंडेबल तरीका है कि हम अपनी इमेज को हल्का मॉडिफाई कर लें। तो आपके सामने मैं तीन रास्ते रखता हूं, तीन तरीके रखता हूं हाउ यू कैन मॉडिफाई, हाउ यू कैन स्ट्रेंथन योर सेल्फ इमेज। नंबर वन, ऑलवेज डू व्हाट यू से यू विल। तो हम ना खुद से वादे करते हैं और ये वादे कभी छोटे होते कभी बड़े होते हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि बड़े वादे छोड़ो, जो छोटे छोटे वादे हम करते हैं खुद से वो वादों को हमने पूरा करना है। तो अक्सर हम लोग क्या ना बड़े वादे कर देते हैं कि कल से जो है मैं आई विल गेट अप इन द मॉर्निंग एवरी डे। और ये इतना बड़ा वादा है कि एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आप सुबह उठोगे जल्दी फॉर अ जॉब, तो माइंड भी कहता है यार छोड़ ना, काहे को टोपी लगा रहा है। सो यू हैव टू हैव स्मॉल कमिटमेंट्स टू योरसेल्फ कि मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा, क्योंकि ब्रेन जो है ना आपका वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि ये वादा छोटा है या वादा बड़ा है। वो कहता है वादा वादा है और आपने उसको फुलफिल किया या नहीं फुलफिल किया वो उस हिसाब से उसको ले लेता है। तो मेरा आपसे कहना है कि आपने आपको छोटे छोटे वादे दीजिए, छोटे छोटे प्रॉमिसेस, लाइक आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock और व्हाटएवर टाइम यू से, एंड यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू से आई रीड अ बुक बिफोर आई गो टू बेड। तो रात को सोने से पहले आप किताब पढ़ लीजिए। डोंट से अ बिग प्रॉमिस कि अब मैं आगे से लाइफ लॉन्ग रात को रोज किताब पढ़ लूंगा। जस्ट टुमारो, जस्ट मे बी अ वीक, कि कल से मैं फॉर 1 week मैं स्वीट्स नहीं खाऊंगा। इट्स अ स्मॉल प्रॉमिस। और जब आप इस वादे को पूरा करते हो सो योर इमेज इज क्रिएटेड इन योर माइंड। जस्ट लाइक आपको किसी इंसान ने वादा किया कि मैं आपको 6 बजे मिलूंगा और वो 6 बजे आपसे मिलता है, तो आपके मन में एक इमेज क्रिएट होती है कि देखो ये अपने समय का पक्का है। इन द सेम वे व्हेन यू से समथिंग टू योरसेल्फ और आप उस पर जी लेते हो, आप अपनी एक इमेज क्रिएट करते हो दैट आई डू व्हाट आई से। सो अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपने अगर वादा किया खुद को, गिव अ स्मॉल प्रॉमिस that I will finish three chapters. So don't give a big promise, I'll finish the entire syllabus. So, 3 chapters आपने वादा किया और 3 chapters आप पूरा कर लीजिए। You give a promise to yourself, I'll study for 1 hour. Study for 1 hour. तो पहला step, do what you say you will. Second step है self-image को build करने के लिए कि जो आप कर रहे हो क्या उसको अच्छा कर सकते हो। तो आपने कहा कि I'll read a book before I go to sleep. So, आपने 5 pages पढ़े तो आपने कहा लेट मी हाईलाइट दिस, इसको और अच्छे ढंग से पढ़ता हूँ। अगर आप जॉग कर रहे हो सुबह तो आपने कहा कैन आई डू इट बेटर, तो जॉगिंग के साथ आपने कहा कैन आई इंक्रीज माय स्पीड एंड रिड्यूस माय टाइमिंग, सो यू मेक इट बेटर। अगर आप स्टूडेंट हो और आप पढ़ रहे हो तो कैन आई मेक सम नोट्स अलॉन्ग विद स्टडिंग इन दैट 1 hour, तो आप जो कर रहे हो आपने उसको अच्छा किया। तो पहला स्टेप है कि जो मैंने कहा मैं करूँगा, सेकेंड स्टेप है जो मैं कर रहा हूँ अच्छा करूँगा, एंड थर्ड वे टू इम्प्रूव योर सेल्फ इमेजेस कैन आई स्ट्रेच, कैन आई गो बियॉन्ड। सो आई सेड आई विल जॉग फॉर 1 hour, कैन आई जॉग फॉर 1 hour 15 minutes। आई सेड आई विल स्टडी फॉर 1 hour, कैन आई स्टडी फॉर 1.5 hours। आई सेड आई विल रीड दीज 5 pages बिफोर आई गो टू स्लीप, कैन आई रीड 7 pages बिफोर आई गो टू स्लीप। तो जब आप ये करोगे लगातार कि आप जो कहते हो वो कर रहे हो, जो आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, और जो आप कर रहे हो उसको और लंबा या और स्ट्रेच करने की आप अंदर एक लेके आते हो विलिंगनेस, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कैपेबिलिटी बढ़ती है और साथ साथ आपकी सेल्फ इमेज बढ़ती है। सो एंड आई शेयर्ड विद यू अर्लियर कि सेल्फ इमेज इज अ वेरी पावरफुल वे, अगर हमने इसको मॉडिफाई किया इट्स अ वेरी पावरफुल वे
by which we can improve our performance in the future. Because हम जो भी करते हैं काम, अक्सर वो काम हमारी self-image के consistency के हिसाब से होता है. We work in accordance to our self-image. So अगर self-image strong है, तो काम भी strong होगा. So let's work on a self-image. Hope this video helps and gives you some insights as to how you build your self-image. So happy building your self-image.